हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरबी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है और गर्मियों के मौसम में अरबी बहुत ही अच्छी लगती है। दही के साथ भी आप खा सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो। खाने में ये लाजवाब लगती है। तो बनाने में तो ये बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये और भी अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मजेदार अरबी की सब्जी। यहाँ पे हमने अरबी ली है, अरबी हमने आधा किलो ली है। इसे हम इस तरीके का काट लेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा किलो अरबी ली है, इसे छील लिया, अच्छे से धो लिया और इस तरीके लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लिया। तो हमने कढ़ाई ली है, यहाँ पे हम सरसों का तेल ले रहे हैं। तो एक दो बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, ज्यादा डालना है क्योंकि सूखी सब्जी है। और इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची और साथ ही हम डाल देंगे प्याज और हल्का सा ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। तो प्याज हल्का हल्का भून गया है, बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, साथ में डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही में डाल देंगे हम धनिया पाउडर और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हो अगर आप खाते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे जो अरबी हमने काट रखी है, आप किसी भी शेप में काट सकते हो, राउंड शेप में भी काट सकते हो, लंबाई में भी काट सकते हो। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो आप देख सकते हो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और दो मिनट तक हमने इसे खुले में ही पकाया। और इसके बाद हम ढक के इसे बहुत ही लो फ्लेम पे, यानी कि छोटी वाली फ्लेम पे इसे पकाना है और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहना है जब तक कि हल्दी जो हमारी अरबी है अच्छे से गल नहीं जाती। तो दोस्तों, अरबी की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही मजेदार सब्जी बनी है। आप चाहे तो इस पे खाते समय नींबू का रस भी ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, बहुत ही मजेदार लगता है। या फिर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो जिससे कि बहुत ही इसमें हल्का सा खट्टापन जो अरबी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।